नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी TSSC में जो वैकेंसी चल रही है या जो आने वाली वैकेंसी है उसी के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हम आपको एक दो वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं हिंदी व्याकरण के, यानी हिंदी वर्णमाला पे। वर्णमाला पे दो वीडियो आपको मिल चुके हैं और आज हम उसी सेगमेंट में तीसरा वीडियो जो बना रहे हैं वो वीडियो किसका है? आप सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, जनरल साइंस, ये पांच सब्जेक्ट मेन। उसके बाद करंट अफेयर्स के, उत्तर प्रदेश स्पेशल के, खेल, और उसके बाद दैनिक जागरण, समसामयिकी, दैनिक जागरण के जो समसामयिकी। तो इन सभी सेगमेंटों में से पहला सेगमेंट जो आज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को आप जानते हुए, बहुत बड़ा बृहद संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को, इस सेगमेंट को बनाने के लिए 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेदों में, हालांकि जो 395 अनुच्छेद हैं वो सेगमेंट के रूप में बढ़ बढ़ करके, खंडों के रूप में बढ़ करके 444 हो चुके हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता तो हमको टिक कितने करना है? 395 पे। तो इन सब भागों में बटे हुए हैं। अब होता क्या है कि क्वेश्चन हम अनुच्छेद रट लेते हैं, जो पेपर में रिपीट होते हैं उसको रट लेते हैं, और कभी कोई छोटी छोटी चीज़ें पूछ दी जाती हैं और वहाँ पे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम एक सिरे से, जो हमने अपना पैटर्न बना रखा है, जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उस सेगमेंट के हिसाब से हम पहले भाग पढ़ेंगे, फिर तुरंत अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, अनुसूचियों के बाद अनुच्छेद पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, और अनुच्छेद के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद से तो उस पे आने वाले वीडियो और उसके क्रम को देखेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, सारे सेगमेंट लिखे गए हैं जो भी हैं, हालांकि सभी भाग इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, वही भाग इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ ही इसमें से इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमने सबको लिख दिया है। लिख रहे थे तो हम सबको लिख दिए जितने भी जरूरी थे, और ये भी लिख दिए कौन कहाँ से लिए गए। सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा गया भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। हमने शुरू में भी आपसे बताया भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उन 22 भागों में जो पहला भाग है, भाग एक किसको बताता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में भारत के कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो उनके विषय में जो अध्ययन किया जाता है कि जैसे संघ को कैसे बढ़ाना है, संघ का क्या काम होता है, राज्य का क्या काम होता है, राज्य की सीमा कितनी होगी, राज्य का व्यापार क्या होगा, इन सब की जो स्टडी की जाएगी वो किसमें की जाएगी? भाग एक में। और एक इसके लिए अनुच्छेद जो तय किए गए हैं वो अनुच्छेद कितने हैं? 1 से 4 तक। दूसरी बात करते हैं भाग दो की, जिसमें हम पढ़ेंगे किसको? नागरिकता की। नागरिकता भारत में जानते हैं हम कि ब्रिटेन से ली गई, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, हमारे देश में भी एकल नागरिकता है, यानी यहाँ राज्य की अलग नागरिकता या देश की अलग नागरिकता नहीं होती, यहाँ सबकी नागरिकता हो, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो या दिल्ली का हो, सबकी एक ही नागरिकता है। और वो नागरिकता क्या कहलाती है? इंडियन कहलाती है, यानी भारतीय कहलाती है। जम्मू कश्मीर के विषय में जहाँ तक चर्चा की जाती है, जम्मू कश्मीर में नागरिकता दो मानी जाती है, जम्मू कश्मीर की एक अलग नागरिकता राज्य की हो जाती है, तो जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन है, जम्मू कश्मीर को छोड़ देते हैं, बाकी जो भी हैं 28 राज्य बचे हुए और 7 यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य, इन सब की जितनी भी नागरिक होंगे उन्हें राज्य तो माना जाता है, हम ये लिख सकते हैं हम उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहते हैं हमारी नागरिकता क्या है? एक है और हम भारतीय। दूसरी बात करते हैं मौलिक अधिकार की, भाग तीन मौलिक अधिकार, कहाँ से लिया गया है? USA से, अमेरिका से लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद दिए गए कहाँ से? 12 से लेकर के 35 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार भी, यानी ये तीन तो इंपॉर्टेंट में आ गए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाग चार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के कुछ नीति बनाने के निर्देश होते हैं जिसके हिसाब से राज्य काम करता है, राज्य का कुछ अधिकार होता है, कुछ जनता का भी अधिकार है, उस सबकी स्टडी जहाँ की गई है 36 से लेकर के 51 तक भाग चार में। उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार एक और उसमें जोड़ दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, हालांकि अलग से जोड़ा गया था, इसलिए इसको कहाँ क्या लगा दिया गया? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य किसमें दिया गया? भाग चार के क में। यही याद रखना है, मौलिक कर्तव्य
पहले आते पूछा जाता किसकी अनुसूचित से जोड़ा गया, तो अनुसूचित से स्वर्ण सिंह समेत अनुसूचित से, और किसमें जोड़ा गया भाग चार के क्या में, अनुच्छेद भी इसका इंपॉर्टेंट है 51 का क्या, लिया कहां से गया है, रूस से लिया गया, कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया। आगे बढ़ते हैं, भाग पांच में संघ को पढ़ा गया है, उसके बाद भाग छह में राज्य का अधिकार राज्य को पढ़ा गया है, भाग सात में प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, प्रथम अनुसूची में क्या था कि भाग चार भागों में बांट दिया, क ख ग घ जितने राज्य थे सबको क ख ग घ में बांट दिया गया था, तो उसमें एक संविधान संशोधन करना पड़ा, और वो संविधान संशोधन क्या कहलाता है, सातवां संविधान संशोधन 1956 में संविधान संशोधन करके प्रथम अनुसूची में भाग ख के राज्यों को जोड़ा गया था, जो कहां अध्ययन किया जाता है, भाग सात में। उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र के ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अनुच्छेद अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। भाग नौ में पंचायतें, पंचायतें 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992, ये दोनों संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। भाग नौ में पंचायतें हैं, भाग नौ के क में नगर पालिका, भाग नौ के ख में सहकारी समितियां, यानी ये तीन भाग हो जाते हैं, और इसीलिए कंफ्यूजन है, ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, पंचायतें पूछा जाता है किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, या नगर पालिका है किस संविधान, तो यहाँ पे सन वाला कंफ्यूजन हो जाता है 93 और 92 लेकर के। तो आप याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 में पंचायतों का अध्ययन किया गया, भाग 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिका भाग 9 के क में, और 97वें संविधान संशोधन 2011 संविधान भाग 9 ख में सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, भाग 10 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विषय में अध्ययन किया गया, भाग 11 संघ तथा राज्य के मध्य संबंध, संघ और राज्य के बीच मध्य संबंध होते हैं, जैसे केंद्र सरकार के जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो वो कानून बनाने के लिए होता है, लेकिन उनके बीच में भी कुछ संबंध होते हैं, जैसे सरकार ने कोई नियम बनाया संघ सरकार ने, तो उसे राज्य सरकार को मानना है, या राज्य सरकार का कोई जरूरत है, तो जैसे लोक निर्माण विभाग की सड़कें बनती हैं, रेलवे ट्रैक है, तो उसके लिए राज्य से भी संबंध बना सकता है, तो इनके बीच में जो संबंध होते हैं उनके विषय में चर्चा कहाँ की गई है, भाग 11 में। भाग 12 ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, वित्त संपत्ति संपदाएं या राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार भाग 13 में, भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये जरूरी है, भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 का क मेन जो जरूरी है वो कौन है, भाग 14 का क, भाग 14 के क में है अधिकरण, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, वीडियो में हल्का दिख रहा होगा, नीचे लिखा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 जो भाग 14 के क में दिया गया, अधिकरण कहते हैं। तो कई बार एक क्वेश्चन आया है अधिकरण का अध्ययन किस भाग में किया जाता है, तो भाग 14 नहीं, भाग 14 के क्या है, इसको गौर करना है और याद भी रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन भाग 15 निर्वाचन, जो कि इसका अनुच्छेद भी पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत है, निर्वाचन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, या वोट डालने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, कितने वर्ष के लोग वोटिंग कर सकते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन किसमें पूछे गए, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में, और किस भाग में आता है, भाग 15 में। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ विशेष वर्ग जैसे एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को, या गोरखा रेजिमेंट पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे आप कोई डिफेंस की वैकेंसी क्वेश्चन देखे तो उसमें गोरखा वालों को कुछ कम छूट, लंबाई में छूट दे दी जाती है, वजन में छूट दे दी जाती है, एससी एसटी को आरक्षण दिए जाते हैं, ओबीसी को आरक्षण दिए जाते हैं, तो कुछ विशेष वर्गों को जो छूट दी जाती है उसके उपबंध कहाँ किए गए, भाग 16 में, ताकि सबके बीच में समानता आ जाए, जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी कद छोटी होती है, तो अब वो डिफेंस में नौकरी कैसे करेंगे, अगर उनको उनको लंबाई उतनी ही रखी जाए तो कहाँ कर पाएंगे, तो इसलिए उनके लिए थोड़ी सी छूट दी जाती है, ऐसे उपबंध जो किए जाते हैं छूट, वो कहाँ दिए गए, भाग 16 में। भाग 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राजभाषा,
343 से लेकर के 351 तक। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और जबकि राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। जबकि राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, जिसमें आप जानते हैं पूरे भारत में कितनी भाषाएं अभी तक वैलिड हैं? 22। कितनी भाषाएं वैलिड हैं? 22 भाषाओं वैलिड हैं। जबकि और कई भाषाओं की मान्यता चल रही है कि इसे हमें वो दे दिया जाए, भारत में मानने के लिए दे दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। जबकि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी? उर्दू। कब दिया गया? 1989 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा या उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया या किसको दिया गया, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की बात करना है उर्दू और 1989 में। इसी तरह से हर राज्य की अपनी भाषा जिसे राजभाषा कहते हैं। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? भाग 22 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। भाग 18 ये भी इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध। आपातकालीन कुछ शक्तियां होती हैं, जब भारत में आपात आ जाए, चाहे वो वित्तीय आपात हो या बाहरी युद्धों से आपात हो जाए या सरकार की कमी की वजह से आ जाए आपात, ऐसे आपात उपबंधों की चर्चा की गई है भाग 18 में। जो कहाँ से लिया गया है आपात उपबंध? लिया गया है जर्मनी से। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। और इसके अनुच्छेद 352, 356 और 360 बहुत जरूरी हैं। तीन आपात उपबंध भारत में दिए गए हैं। भाग 19 से कोई मतलब नहीं है, प्रकीर्णन, इसकी कोई चर्चा भी नहीं की गई, कोई विशेष महत्व भी नहीं है। भाग 20 आते हैं, जो हम अभी शुरू में बताए थे, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। संविधान के अंदर जो संशोधन किए जाते हैं, जो बीच बीच में बदलाव होता रहता है, वो भी एक अनुच्छेद के तहत है। वो अनुच्छेद क्या है? 368 भाग 20। नाम क्या है? संविधान संशोधन। भाग 21 विशेष उपबंध और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्राधिकरण पाठ, कोई विशेष मतलब नहीं है। विशेष मतलब किस पे है? संविधान संशोधन पे। फिर इधर देखिए दिया गया है, कुछ हम लिख दिए थे जो जहां से लिए गए, जैसे नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है। फिर इधर आइए, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। और उसके बाद संविधान संशोधन की चर्चा कहाँ से की गई है? दक्षिण अफ्रीका से की गई। संविधान संशोधन की चर्चा कहाँ से की गई है? दक्षिण अफ्रीका से की गई। तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।